वंशी धर्म त्रोत धर्म नमामि मनोहरम मोहरम कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम पार्थस्य सार्थकरम च देवम। भगवान श्री कृष्ण के लिए ये स्तुति है कि हम प्रणाम करते हैं उन्हें जो गिरधर होकर भी वंशीधर हैं, हाथ में कोड़ा लिए हुए हैं रथ को हांकने के लिए, फिर भी मनोहर हैं पर कार्य करते हैं मोह हरने का। हमारा मोह हरे, हृदय में प्रेम और श्रद्धा जगा दें, गले में माला पहनी हुई है माला धर्म धर्म धुरंधरम, मालाधारी हैं लेकिन धर्मधारी हैं, धर्म का संदेश देते हैं। पार्थस्य सार्थकरम कृष्णम, वे कृष्ण जो पार्थ के सारथी हैं। जीवन में अगर हमें मौका मिले तो हम किसी के सारथी बने तो बहुत अच्छा, पर स्वार्थी न बने इस बात की चेष्टा जरूर करनी चाहिए। कृष्ण भगवान के संदेश गीता में है, और गीता क्या है तो ये भी उच्चारण कर लीजिए, कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। अर्थ है कि जो कर्तव्य की दीक्षा दे और समत्व की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा दे और शरणागत होना सिखाए, कृष्ण भगवान ने ऐसी गीता दयालु होकर पूरे जगत के कल्याण के लिए प्रदान की। वह गीता कर्तव्य की दीक्षा देती है कि जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब आप कर्तव्य पथ से विचलित होने की स्थिति में आ जाएं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे में जब हमें निर्णय लेने की शक्ति कहीं से मिलती है तो गीता से मिलती है। बड़ा सुंदर संदेश है ये। व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसके निर्णय लेने की क्षमता, और ये याद रखिए, आपको अगर किसी चीज के लिए हर दिन अभ्यास करना चाहिए तो एक ही चीज कि हम निर्णायक बने, निर्णय लें। ज्यादातर हम लोग निर्णय ले नहीं पाते। इस बात को याद रख लीजिए कि जो कुछ आज हम हैं पिछले समय के किए गए निर्णय के कारण हैं, और आगे जो कुछ हम होंगे इस समय जो निर्णय ले रहे हैं उसके कारण होंगे। जो डिसीजन हम लोग लेते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। इसलिए डिसीजन लेना बहुत लोगों के जीवन में बड़ी ओहापोह होती है कि निर्णय क्या करूं, कुछ गलत ना हो जाए। रतन टाटा एक बात बोलते थे कि मुझे निर्णय लेने की आदत है, अच्छा है या बुरा है ये नहीं सोचता, बाद में उस निर्णय को जो भी ले लिया गया उसे अच्छा बनाने के लिए पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति लगा देता हूं, इसलिए मेरा निर्णय सही हो जाता है। तो पहले तो निर्णय लेना जरूर सीखे आप लोग। निर्णय लेना सीख गए तो जीवन को दिशा देना सीख जाओगे आप। ऊहा पोह में मत रहिए, करूं न करूं इधर उधर,
आगे पीछे किधर जाऊं न जाऊं, क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए। बच्चों को भी सिखाइए निर्णय लेना, डिसीजन लेना। हाँ, ये बात अलग है, उतावलापन खतरनाक है, जल्दबाजी खतरनाक है, उससे बचना चाहिए। निर्णय लेने में इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि तब लें जब आपका मस्तिष्क शांत हो। अशांत अवस्था में लिया गया निर्णय, डरे हुए हालत में लिया गया निर्णय, निराश अवस्था में लिया गया निर्णय, चिंताग्रस्त अवस्था में लिया गया निर्णय कई बार बड़ा गलत होता है और वो जिंदगी को रुलाता है। कभी कभी हम लोग जो है जब बहुत जोश में होते हैं, भावुकता में निर्णय लेते हैं, और निर्णय ही है जो अर्जुन और दुर्योधन ने लिया था, क्योंकि निर्णय में हम चुनाव करते हैं। चुनाव करने का जब समय आता है कि किसको चुने, आप तो हर पल चुनते हैं, आप सब्जी और फल लेने से लेकर के पहनने तक सब चीजों में तो चुनाव है आपका, आपकी संगति में आपका चुनाव है, किन के साथ आप बैठते हैं, किन की बात सुनते हैं, क्या टीवी में देखते हैं, उसमें भी चुनाव है आपका। ये चुनाव अगर आपका सही हो जाए, और कहना चाहिए देश को चलाने के लिए भी आप चुनाव करते हैं, जब आप सही चुन लेते हैं उसका परिणाम होता है, देश का भाग्य बनता है। इसलिए अपने यहां एक बड़ी अद्भुत बात चलती है कि हम सही चुन सकें तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उन प्रार्थनाओं में एक मंत्र है, गायत्री मंत्र, जिसमें यही एक प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान हमारी बुद्धि को प्रेरित करो सन्मार्ग पर, उचित मार्ग पर, सही दिशा में हम कदम उठा सकें, इसके लिए भगवान हमें प्रेरित करो। हमारी बुद्धि में आप आकर बैठो, हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि ना हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति है तो संपत्ति और कुमति है तो विपदि, जहां कुमति तहां विपदि निधाना, विपत्तियों का ढेर लग जाता है वहां जब व्यक्ति की कुमति होती है। गायत्री मंत्र जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक ही ऐसा ये अद्भुत मंत्र है जिसमें तीन चीजें एक साथ हैं, स्तुति भी, प्रार्थना भी, उपासना भी। ज्यादातर जो मंत्र होते हैं या तो प्रार्थना परक होते हैं, या स्तुति परक होते हैं, या उपासना परक होते हैं। गायत्री मंत्र की ये विशेषता है उसमें तीनों हैं। जहां तारीफ की गई वो स्तुति है, और जहां कहा कि हम तुम्हारा ध्यान करते हैं वो उपासना है, और जहां कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मतलब हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चलिए, ये प्रार्थना है। मंत्र सबको याद है, मंत्र के अर्थ भी आपको याद है, विषय वो है नहीं इस समय, फिर भी सार सुन लीजिए। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो सर्वरक्षक, सर्वनियंता, सबके दाता परमेश्वर को याद करते हैं। जब कहते हैं भू भूर्भुवस्व, तो कहते हैं इन प्राणों का प्राण तू है, जीवन दाता तू है। भूव, मेरी पीड़ाओं को, मेरे दुखों को मिटाने वाली शक्ति भी तू ही है। स्व, मेरे आंसुओं को पहुंचकर मुस्कुराहट देने वाला, दुखों को दूर करने वाला, संकट मोचक तू ही तो है। तो ये हुआ भूर भुव स्व, याद रहेगा, क्योंकि यहां ऐसी सतवचन वाली कथा नहीं सुननी है आपने कि जो बोला जा रहा है सतवचन महाराज, नहीं, आपने याद भी करना है और दिमाग भी लगाना, हृदय भी लगाना, कानों से सुनना है, मस्तिष्क से भी, हृदय से भी। फिर से याद करेंगे, अवति इति ओम, रक्षा करने वाली शक्ति ओम है, धारण करने वाली शक्ति जीवन दाता परमात्मा
सर्वव्यापी परम सत्ता जो अगोचर है, अगम है और सबका सखा, हमारा सब कुछ जो हमारा जो सर्वस्व है, उसे ओंकार के रूप में पुकारा जाता है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामनाओं की पूर्ति जो कराए और मुक्ति भी दे, वो ओंकार भूर्भुवस्वः जो इन प्राणों को भी प्राण देता है, जीवन शक्ति देता है। प्राण का भी प्राण जो कोई है, हमारे लिए सबसे प्यारा क्या है दुनिया में? प्राण। उससे प्यारा कुछ भी नहीं। इन प्राणों के लिए आदमी सब कुछ छोड़ देगा। इसलिए जब किसी के लिए बहुत प्यार वाले शब्द कहते हैं तो क्या बोलते हैं? प्राण प्रिय है वो। पति पत्नी भी एक दूसरे को प्राण शब्द जोड़ के बोल देते हैं, ये बात अलग है। बाद में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं वो तो आप लोग जानते हैं सब। लेकिन इन प्राणों का भी जो प्राण है वो तो ईश्वर, उसे कहा गया भू। भू हुआ दुख दूर करने वाला, संकट मोचक, दुख से बचाने वाला। और फिर आगे कहते हैं स्वः, सुख स्वरूप, सुखदाता, आंसुओं को पोंछे, मुस्कुराहट लाए, संकट से बचाए, पीड़ा से दूर करे और अपनी गोद में लेकर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर खुशियां देती है, ऐसे वो जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी जो हमें प्रेम देती है, उस शक्ति को हम स्वः सुखकारी सुखदात्री। ये तीन महाव्याहृति भूर्भुवस्व। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा विषय रह जाएगा, मैं सिर्फ आपको याद करा दूं। आगे है भूर्भुवस्व, तीन महाव्याहृति बोलने के बाद तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां शब्द है तत्, तत् का मतलब होता वह, और इसका मतलब दूसरा अर्थ होता है कि वह जिसकी तरफ इशारा तो किया जा सकता है लेकिन जिसे कहा नहीं जा सकता, मतलब जो अनिर्वचनीय है। घरों में पुराने समय में परंपरा चलती थी, पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, वो कहकर, ये कहकर, वे कहकर, इशारे से उनके आने का समय हो गया, वो कहें उनके किनके का वो आने वाले हैं, मतलब वो जिनके प्रति आदर भी है, प्यार भी है, लेकिन जिनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि प्यार अनिर्वचनीय होता है, उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए ये एक परंपरा थी और चलते चलते फिर बात वहां तक पहुंच गई कि पत्नी का पति नाम ना ले और पत्नी पति का नाम ना ले। तो लोगों ने समझा कि असली पतिव्रता पति तो वही है जो नाम ना ले। तो कभी कभी विचित्र घटनाएं भी घट जाती हैं। पति ने फोन किया कि मेरे कपड़े दर्जी से ले आना। अब वो बेचारी गई लेकिन पर्ची भूल आई। अब दर्जी के पास जाकर कहती है कि उनके कपड़े दे दो। बोले उनके किनके? मेरे पति के ना। भाई नाम बताओगे? बोले नाम नहीं ले सकते हम, पति परायण, पतिव्रत धर्म का पालन करना, नाम नहीं ले सकते। अच्छा लिख दीजिए। बोले लिखना भी नहीं है हमने। अच्छा तो फिर कोई और तरीका बताइए। बोले उनका नाम फूल पर है। अब समस्या हो गई, ग्राहक खड़े हुए थे, उन्होंने नाम फूलों के बताने शुरू कर दिए। बोले गेंदा लाल तो नहीं है? बोले क्या बता रहे हैं आप, कैसा नाम बता रहे हैं, मेरे पति का नाम ऐसा होगा? चलिए गुलाब, गुलाब, गुलाब राय, गुलाब सिंह, गुलाब राम, ऐसा कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, ये नाम नहीं है। अच्छा चंपावत हो, चंपा राम? नहीं नहीं, चंपक हो? क्या मजाक कर रहे हैं मेरे पति के लिए। सबने सब नाम बता दिए। आखिर में एक के मुंह से निकला, कहीं कमल तो नहीं है? बोले हाँ कमल, 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 कमल।
अब जैसे ही ये कहा कमल कमल कमल, सब लोग जोर से हंसे और उसको लगा कि मेरे मुंह से तो निकल गया, वो बिना कपड़े लिए भाग गई वहां से। बात विनोद की है, लेकिन फिर मैं आपको इसलिए जोर दे रहा था कि आप तत् शब्द पर जब जाएं तो आपको इस समझ में आ जाए कि ये प्यार का वाची शब्द है, कि वो सत्ता जिसकी तरफ इशारा करके तो कहा जा सकता है, लेकिन शब्दों में अगर आप कहें तो कभी भी भगवान की महिमा कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्ति पाठ क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा, शुभारंभ 20 जून 2024, समय दोपहर 12 से 2 बजे, स्थान श्री धाम आश्रम आदि विश्वनाथपुरा राजन कुंटे बैंगलोर। 21 जून समय सायं 5 से 7 बजे, 22 जून पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग, समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून समय प्रातः 10 से 12 बजे, विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह, समय दोपहर 12:30 से 1 बजे, स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर 31st क्रॉस 4th ब्लॉक जयनगर बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन बैंगलोर। संपर्क सूत्र, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा, 29 जून आशीर्वचन सायं 5 से 7 बजे, स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज GE रोड रायपुर छत्तीसगढ़। 30 जून गुरुदर्शन गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन प्रातः 8:30 से 11 बजे, विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे, स्थान ब्रह्मलोक आश्रम ग्राम परसदा कुमारी दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र